ऐसा है सर, ये जो मोदी है ये या तो पगला गया है, वो कहावत है ना कि आदमी बुढ़ापे में सटिया जाता है, मेरे को लग रहा है ये मोदी सटिया गया है। ये 2000 की नोट निकाल रहा है आज, पब्लिक के पास 500 का छुट्टा के लिए नहीं है किसी के पास। आज आपने देखा होगा थिएटर पूरी खाली पड़ी हुई है, जबकि इतनी बड़ी पिक्चर रॉक ऑन जो दो है वो लगी और डोंगरी का राजा लगी। इतनी बड़ी पिक्चर लगने के बाद भी 10 पब्लिक नहीं है थिएटरों में, क्योंकि पब्लिक के पास छुट्टे नहीं है। इसमें आम पब्लिक मर रही है और कुछ नहीं है सर, खाली बड़े बड़े बात कर रहा है मोदी, जापान जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, क्या कर रहा है घूम के? ये मेरे को बताया जाएगा? कोई कोई सरकार से ये पूछ सकता है कि क्यों जा रहा है? मीटिंग करने जा रहा है? अरे तू बड़े लोगों के लेवल पे जा रहा है ना, तो हम छोटे लेवल को भी तो देख। जो झोपड़पट्टी में 20 रुपये का सब्जी तरकारी ले रहे हैं, 50 रुपये की दाल चावल ले रहे हैं, उनको कहाँ से 500 का छुट्टा मिलेगा? 2000 की तो बात ही छोड़ दो। और ये अभी इतना परेशानी हो रही पब्लिक को, किसी का कुछ है ही नहीं मतलब इसमें। बैंक में कितने सब अपना नुकसान करके, अपना पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, वो तो अपना शांति से घूम रहा है ना फ्लाइट में, उधर जापान जा रहा है, लंदन जा रहा है, किधर किधर घूम रहा है ना, जापान घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है उसका घूम का, बेवकूफ़ जैसा। वो उसको बोलो गुजरात वाले, गुजरात वाली पब्लिक, उसकी खुद की गुजरात की पब्लिक उसको 50 गाली दे रही, कोस रही है उसको। उसको बोलो बांद्रा में कभी आके देखे क्या हाल है, झोपड़पट्टियों में आके देखे कि 50 रुपये के लिए भाजी लेने जाओ तो पास सीधा दुकानदार बोलता है 500 का छुट्टा नहीं है। अब वो 2000 रुपये लेके क्या हम लोग बत्ती बनाएंगे या उसको साबुन का फेस लगा के कहाँ डालेंगे? अभी एटीएम भी बंद है सर, अभी एटीएम देखिए बंद है। उसका रीज़न ये है कि बैंकों में पैसे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, बैंक वाले पब्लिक को बांटे कि एटीएम में डाले, बात ये हो रही है ना। अब आपने ये देख लिया होगा कि 2000 रुपये खाली निकलेगा बैंक से। अब एक्सचेंज के लिए जितनी लाइन है निकालने वालों की, उतनी लाइन है ही नहीं। आपको क्या परेशानी है? मुझे तो देखिए कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मेरा पैसा पूरा एकदम नील बटा सन्नाटा है। मैं 100-100 के नोट पहले से रखते आया हूँ। अच्छा, आपको पहले से पता था? भले मैं 1000 के 500 के नोट ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आज भी मेरे पास 100 का पूरा बंडल मैं जेब में लेके चलता हूँ। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए, वो एक ही नोट है अभी बस। चलो ये लो, हटा दिया, ये लो, मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ पूरा। मैं 100 का बंडल हमेशा लेके चलता हूँ, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ से भी मैं पूरा 100 के बंडल लेके जाता हूँ मैं। ऐसा रखो, थोड़ा नीचे रखो। हाँ, ये नीचे लो, थोड़ा नीचे, चेहरा नहीं दिख। हाँ, इस पे नोट पे मत लेना। हाँ, नोट पे आना। मैं हमेशा से ये बड़े नोटों के खिलाफ हूँ, इसमें आम आदमी मर जाएगा और कुछ नहीं। बड़े नोट में अमीर लोग का एंजॉय हो रहा है, गरीब लोग मर रहा है। अभी अगर आज मुझे पिक्चर देखनी है तो ये थिएटर में, खास करके गेटी गैलेक्सी में 500 की नोट नहीं ले रहे हैं, तो मैं पिक्चर कहाँ से देख पाऊँगा? इसके लिए ये सब मैं पहले से अपना इंतजाम करके रखता हूँ, ये तकलीफ़ नहीं आवे मुझे, इस वजह से मैं करता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो आपका क्या कहना है, जो मोदी ने बदलाव किया ये सही है? गलत है, गरीब लोगों के लिए गलत है, अमीर लोगों के लिए अब जो भी लगे वो काला धन का सोच रहा है। अब ये जो 500 की नोट निकाला है, 2000 की नोट निकाला है, वो क्या सोचता है कि ये डुप्लीकेट नहीं बनेगी? बनेगी, आज नहीं कल नहीं परसों बनेगी, कब तो बनेगी। अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन क्या आएंगे यार, दाल चावल के भाव बढ़ गए हैं। जो हम लोग पहले 10 रुपये में घूमते थे, आज 20 रुपये में घूमना पड़ रहा है। 20 रुपये की दाल लेके खाते थे दाल फ्राई, आज 50 रुपये दाल फ्राई हो गई है। होटल में जाओ तो क्या अच्छे दिन आए हैं, बताओ ना। आप भी खुद मीडिया में काम कर रहे हो, आप लोग भी तो अनाज खाते होंगे, आप लोग को भी रेट पता है। आज मूंग की दाल का 200-150 रुपया भाव है, वही दाल पहले 30-40 रुपये में किलो में बिकती थी। रोटी 2 रुपये में मिलती थी, आज 10 रुपये की मिल रही है तंदूरी रोटी, तो क्या मतलब है? गरीब आदमी मर गया ना इसमें, गरीब आदमी तो बिल्कुल भूखा मर ही रहा है ना। मेरा कहने का मतलब है, भले मोदी हो या वो अरुण जेटली हो या जो भी हो, गरीब लोग को देखो ना आप। गरीब लोग क्या करें? सबसे पहली बात तो ये, मोदी भी पहले चाय बेचता था ना, चाय वाला ही था ना, जब गरीब था तभी इसने नहीं सोचा, तो अब क्यों इतना उलाड़ में आके वो कर रहा है हरकतें पागलों जैसी? इसके लिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि सही उम्र में सब लोग सटिया जाते हैं, बुढ़ापे में जैसे सटिया रहे हम लोग भी, वो भी सटिया गया मोदी भी। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं, बस ओके।